बॉबी देओल के डूबते करियर को सलमान का सहारा, बनाएंगे उनके लिए एक्शन फिल्म। बॉलीवुड में अक्सर एक्टर एक्ट्रेस की मदद करने वाले सलमान खान अब धर्मेंद्र के बेटे बॉबी देओल के करियर को संवारने में मदद कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान के कहने पर ही रेस 3 में बॉबी को रोल मिला और अब खबर है कि बॉबी सलमान की अगली एक्शन फिल्म में भी नजर आ सकते हैं। बॉबी देओल लंबे समय से किसी एक्शन फिल्म में नजर नहीं आए हैं। सोर्सेज के मुताबिक इसके लिए उन्होंने हाल ही में सलमान खान से बातचीत की। बॉबी की रिक्वेस्ट और रेस 3 के ट्रेलर को मिले पॉजिटिव फीडबैक के बाद अब सलमान अपनी एक अंडर प्रोडक्शन फिल्म में उन्हें कास्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले बॉबी को फिर से शेप में आने के लिए भी सलमान ने मदद की। इसी के चलते बॉबी अब काफी फिट नजर आ रहे हैं। रेस 3 ट्रेलर रिलीज में सलमान ने बॉबी देओल को बॉडी देओल कहकर पुकारा था। वैसे यह कोई पहला मौका नहीं है जब सलमान ने किसी एक्टर या एक्ट्रेस की मदद की है। सलमान कई एक्टर एक्ट्रेसेस को लॉन्च कर चुके हैं। हम बता रहे हैं कुछ ऐसे ही कलाकारों के बारे में। कैटरीना कैफ। कैटरीना कैफ ने करियर की शुरुआत फ्लॉप फिल्म से की थी। पहली फिल्म बूम में उन्होंने हॉटनेस का तड़का लगाया लेकिन दर्शकों को इम्प्रेस नहीं कर पाई। इसके एक साल बाद सलमान ने मैंने प्यार क्यों किया में कैटरीना को मौका दिया और यहीं से उनका करियर ट्रैक पर आया। इसके बाद सलमान ने कैटरीना को एक था टाइगर में भी कास्ट किया। कैटरीना की कई फिल्में बैक टू बैक फ्लॉप हो रही थी। ऐसे में सलमान ने कैटरीना को टाइगर जिंदा है में कास्ट कर उनके करियर को नई दिशा दी। हिमेश रेशमिया। हिमेश ने सक्सेस और डाउनफॉल दोनों ही खूब अच्छे से देखे हैं। हिमेश का करियर बनाने का श्रेय भी सलमान को ही जाता है। उन्होंने 1998 में आई फिल्म प्यार किया तो डरना क्या में हिमेश को मौका दिया। इसके बाद 1999 में आई सलमान की फिल्म हेलो ब्रदर में भी हिमेश ने ही म्यूजिक दिया। हालांकि अपनी सफलता के नशे में हिमेश इतने चूर हो गए थे कि एक दौर में उन्होंने अपने मेंटर सलमान खान से ही पंगा ले लिया। इसका खामियाजा भी हिमेश को भुगतना पड़ा लेकिन हिमेश समय पर संभल गए। बाद में हिमेश ने सलमान की फिल्म किक में भी काम किया। खुद हिमेश कहते हैं, सलमान मेरे गॉडफादर, मेरे मेंटर हैं। वे कुछ बोलते हैं तो मैं उस पर कोई सवाल नहीं करता हूँ, जो वो बोलते हैं वो मैं करता हूँ। जो प्लेटफॉर्म उन्होंने मुझे दिया है वह कोई नहीं दे सकता है। मैंने कभी उनसे कुछ पूछा नहीं है। यदि उन्होंने मुझे कुछ कहा तो मेरी तरफ से सिर्फ हाँ ही होती है। हमारी केमिस्ट्री अच्छी है। सोनाक्षी सिन्हा। बॉलीवुड में सोनाक्षी सिन्हा को भी सलमान खान ने ही लॉन्च किया। सलमान ने फिल्म दंबंग में सोनाक्षी को लीड रोल दिया था। फिल्म के हिट होने के बाद से ही सोनाक्षी रातों रात बड़ी स्टार बन गई। डेजी शाह। डेजी शाह का बॉलीवुड करियर भी सलमान की ही बदौलत है। सलमान ने डेजी को फिल्म जय हो में मौका दिया। डेजी अब सलमान की अपकमिंग मूवी रेस 3 में भी नजर आने वाली है। सलमान डेजी को एक एसयूवी कार भी गिफ्ट कर चुके हैं। जरीन खान। बॉलीवुड के दबंग खान सलमान ने जरीन खान की भी बॉलीवुड में एंट्री कराई। जरीन को बॉलीवुड में कैटरीना की हमशक्ल के रूप में देखा जाता है। 2010 में आई फिल्म वीर से सलमान ने जरीन खान को बॉलीवुड में इंट्रोड्यूस किया। इसके बाद फिल्म रेडी में एक आइटम सॉन्ग करने का मौका भी दिया। अथिया शेट्टी, सूरज पंचोली। सलमान ने सुनील शेट्टी की बेटी अथिया और सूरज पंचोली के बेटे सूरज को भी फिल्म इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस करवाया। 2015 में आई फिल्म हीरो से सलमान ने दोनों को लॉन्च किया। हालांकि यह फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी लेकिन इसके बाद आई अथिया की एक और फिल्म मुबारका सफल रही।